हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस ओए उई 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 उई, अबे ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या करा मैंने, अरे गलती से मेरे पैसे डाल दिए यार मैंने यहाँ पे। रुक जाओ बेस की आग, एलिगेटर वापस से आ चुका है भाई। भागो भागो बेस की आग, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, बाकी एलिगेटर को मैं देखेगा, मैं देख लेगा, मैं देख लेगा। वापस से मुर्गियों के ऊपर जो ना कैसे अटैक करने के लिए आ गया भाई एलिगेटर। इसको भाई इस बार अपन छोड़ेगा नहीं, और एक भी मुर्गी को मारने नहीं देगा। मेरी मुर्गियाँ खाने के लिए आते हैं एलिगेटर। आरामगोर कितने ज्यादा आरामगोर है, उसने अंडा भाई यहाँ पे क्यों डाला है भाई, है अपने भाई फ्रेंड्स के अंदर डाल। ओ ओ गाइस ये देखना, वो मेरे को मैं भूल गया था पिछले एपिसोड में हमारा जो है ना। रुक जाओ पहले अंडे उठा दो, अंडे गरम है गरम अंडे उठा दो गाइस। और आज का जो एपिसोड है डिंकम का, वो शुरू करने से पहले गाइस जो भी नए पत्ते हो फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में गेमिंग विद एंड और ब्लॉगिंग चैनल का लिंक मिल जाएगा, दोनों को जरूर चेकआउट कर लेना गाइस। ठीक है चलो आ जाओ, अभी जल्दी करना, अभी अंडे उठा दो भाई यार तुम भी ना। मुर्गी कॉलिंग कहाँ पे, ये रहा मुर्गी कॉलिंग ना, मुर्गी कॉलिंग भाई। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, हाँ हाँ डन। तो गाइस फर्टिलाइजर बन चुका है, रुक जाओ फर्टिलाइजर जो ना कैसे उठा लेता हूँ। बाकी यहाँ पे अबे नेरे पे ऐसे बुला रहा हूँ, बाकी यहाँ पे जो ना कैसे, रुक जाओ मैं इसको डाल देता हूँ फर्टिलाइजर बनने के लिए भाई। ठीक है, और ये देखो एक बड़ा सा मोटू मोटू सा लल्लू भाई। ठीक है, ये जो पेड़ थे ना कैसे मारे गाइस यहाँ पे, ये बड़े हो चुके हैं। और कितने ज्यादा बड़े हुए गाइस, बहुत ही ज्यादा बड़े यार, बहुत ही ज्यादा बड़े। बट इनके खाने के लिए भी घास जो ना बिल्कुल भी बची नहीं है यार, सुबह घास कहाँ से लेके आओ। वैसे ये जो ना गाइस मैंने देखा था कि ये फूड भी खाते हैं, बट कैसे भाई, लेकिन कहाँ से कैसे खाएंगे फूड समझ नहीं आ रहा मेरे को। चलो गाइस तीन ही घास पड़ी हुई है यहाँ पे, बाकी मेरे को एक और जो ना गाइस जिनको भाई रहने के लिए यहाँ पे एक फेंस टाइप ऐसे बना लेना है। और ये लो भाई इसने तो घास खा ली भाई, यार घास खा लिया अरे लोग। अभी यहाँ पे घास उगेगी नहीं क्या, ऐसा मतलब जल्दी जल्दी तीन घास थी वो खा ली यार इन लोगों ने। बाकी अभी इनके खाने के लिए क्या डालूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा यार। ठीक है मैं क्रॉपलोड जो ना कहीं उठा देता हूँ वहाँ से, रुक जाओ ये उठा ले। जैसे मुर्गियों का खाना है ना कहीं, आई थिंक पता नहीं यार, पता नहीं मुर्गियों का खाना है कि नहीं भाई। ये उठा ले, मैं यहाँ पे लगा के रख देता हूँ। ठीक है अगर इनको खाना चाना होगा ना तो खा लेंगे गाइस, ऐसे मेरे को समझ नहीं आ रहा गाइस अभी क्या खाएंगे, क्योंकि घास फूस खत्म हो चुके यार पूरी की पूरी। ठीक है सो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक, ठीक है लाइक दिस। ठीक है और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ मुर्गी एनिमल फूड भाई। ठीक है सो यहाँ पे एनिमल फूड ही है ना, फार्म एनिमल कैन मंच क्या कैन मंच, ओके ठीक है मंच ऑन दिस, ओके ठीक है फार्म एनिमल जो ना खा सकते हैं। सो ये भी खा लेंगे मेरे को लग रहा है गाइस। ठीक है वहाँ पे घास फूस थी इसलिए वो खा नहीं रहते, लेकिन अभी घास फूस खत्म है तो ये खा लेंगे भाई। ठीक है रुक जाओ, बाकी मुर्गियाँ तो हमारी भुक्कड़े भेज गया, सब कुछ खा जाते। गुड्डे राहुल अरे बस गया, गुड्डे ने पार ले जी, चलो आगे चलते हैं। तो गाइस अभी ना मेरे को क्या कर लेना बताया क्या, गुड्डे राहुल पार ले जी बोला ना गुड्डे ने, इन्हें मौके टक लिया है समझ रहे तेरे को, सब गुड्डे गुड्डे बोल रहे। रुक जाओ अभी यहाँ पे ना मैं और भी ज्यादा मुर्गियाँ जो ना गाइस वो खरीदने वाला हूँ, उसके साथ साथ जो ना गाइस ओ रुक जाओ यहाँ पे एक पॉटी डाली है, वो मैं थोड़ी सी सीपिया लेके आ जाता हूँ, क्योंकि जो सीपिया होती है ना गाइस उनसे मैं देखो मैनुअल दिखा देता हूँ इसके अंदर हम क्या क्या डाल सकते हैं। देखना सीपिया शंख बिंग जो चाहिए वो डाल सकते हैं, और उसको जो ना गाइस यहाँ पे डिकम्पोज करेगा और यहाँ पे जो ना गाइस बन जाएगा बड़े आराम से फर्टिलाइजर गाइस। अभी पॉटी अपने पास पड़ी हुई है, नहीं पड़ी हुई है। सो गाइस फर्टिलाइजर बनाने के लिए अभी अपने पास जो ना गाइस सीपिया भर भर के पड़ी, और वो कहाँ पे पड़ी है गाइस समंदर के किनारे, और तुम्हारा मैं भी जा रहा है समंदर के किनारे। वैसे समंदर का किनारा जो ना गाइस वो अपने वैसे उतना ज़्यादा दूर है नहीं गाइस। ठीक है भाई अभी डॉकी चौकी जा चुके हैं, हड्डी विड्डी जो ना गाइस वो भी चल जाएगी, बट अभी हड्डी की जरूरत नहीं है। ए भाई पाँच पाँच लगी मेरे को लग रहा है सीपिया जो ना गाइस ज़्यादा मात्रा में लगेगी। ठीक है सीपिया ज़्यादा मात्रा में लगेगी, बाकी अगर पॉटी चोटी होती है ना तो पॉटी चोटी कम कम होगी तो भी काम चल जाएगा ऐसा लग रहा है मेरे को कुछ सीन होगा। ठीक है मैं भाई सीपिया थोड़ी सी एक्स्ट्रा उठा के लेके चलता हूँ। ठीक है इस तरफ भाई कुछ है क्या बीच सीच, नहीं यार इधर उतना ज़्यादा बड़ा बीच नहीं है, बट ये ठीक ठाक वाला बीच है। मैं देखता हूँ कितनी सीपियाँ मिली मेरे को, ये पाँच मिली है तीन मिली है। ठीक है पाँच पाँच से मेरे हिसाब से काम बन जाएगा, रुक जाओ मैं देख लेता हूँ। पाँच पाँच या दस दस से, दस दस सीपियाँ जो ना कैसे उठा के लेके चला जाता हूँ। ओए क्या भाई क्या ही उड़ाई है गाई गाड़ी गाड़ी भाई तुम्हारे भाई ने, एकदम खतरनाक तरीके से उड़ाई यार गाड़ी भाई। यहाँ पे उतनी ज़्यादा सीपियाँ जो ना कैसे पड़ी हुई दिखाई नहीं दे रही है मेरे को, थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेजर दिखाई दे रहा है बट ट्रेजर की अभी जरूरत नहीं है, हम आए गए जहाँ पे सीपियाँ उठाने के लिए। ओए रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ अंकल रुक जाओ रुक जाओ, हाँ हाँ जी ओके जी। अरे कहाँ कहाँ रे पप्पा का माल है लाड़ में भाई, रुक जाओ उठा के निकल लेता। ओ पानी के नीचे कुछ तो है, क्या न्यूट्रिशियल शेल,
ओ ये शील भी भाई उसी के अंदर डालना है अपन को। रुक जा थोड़ा खजाना भी जाना है, उठा लेता हूँ, देखता हूँ क्या मिलता है। ठीक है वैसे इसको तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करता हूँ। स्पेयर जो ना जो थोड़ा बचा के रखता हूँ। अबे यार पॉकेट्स भी अभी फुल होनी थी और डालने कोई और सामान है ही नहीं भाई, तो गियर्स उठा लेता हूँ मैं। ठीक है बाकी अभी जितनी भी सीपियाँ ना जो उठाने का काम कर लेना है यहाँ पे। ये बड़ा वाला थोड़ा सा पीछे तो यहाँ पे काफ़ी सारी सीपियाँ मिल जाएगी। गाइज मेरे पॉकेट्स फुल है, मैं और सीपियाँ जो है ना नई नई वाली उठा नहीं सकता। मैं पुराने वाली खाली सीपियाँ जो है ना देखो गाइज यही उठा सकता हूँ, नई वाली नहीं उठा सकता। अरे बाप रे यहाँ पे तो ट्रेजर ही ट्रेजर है और सीपियाँ ही सीपियाँ है। गाइज ट्रेजर हंटिंग करने का मन कर रहा है यार मेरे को भाई, इतना सारा ट्रेजर होएगा तो कौन भाई हंटिंग करना नहीं चाहेगा। रुको ये अरे एक मिनट रुक जाओ। अच्छा ये तो भाई उनको बुलाने वाला है ना गाइज। ठीक है ठीक है ठीक है क्या मिल रहा है? और अरे यार गियर तो उठा ले, गियर उठा पाऊंगा स्प्रिंग नहीं उठा पाऊंगा। एक काम करे फालतू का सामान डाल और स्प्रिंग उठा ले। ठीक है अपने पास भाई वुड बीड पड़ा हुआ है ना, वो तो अपन भाई निकाल मतलब मिल सकता है अपन को वापस से, बट स्प्रिंग विंग मिलना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी तो गियर बॉक्स और ओल्ड टॉय है भाई। ठीक है रुक जाना थोड़ा खोपचेवाड़ी में जाके एलिगेटर का दांत फेंक ले सबसे पहले, सीड फेंक ले सबसे पहले, बाकी तो और कुछ नहीं है ना। हाँ बाकी सब कुछ उठा सकते, लेट्स गो। अगर बैटरीज वीटरीज मिली ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनको उठाने के लिए जो ना कहते अपने पास उतनी ज़्यादा जगह जो ना कहते वो पड़ी नहीं है। अरे यार बैटरी भी मिल गया और हॉट सिलेंडर भी मिल गया, अभी क्या डाल सकता हूँ मैं? डालने के लिए तो भाई कुछ बचा ही नहीं है यार अपने पास। मिड बिट नहीं डाल सकता ना ओल्ड गियर भाई। हॉट सिलेंडर जो है ना काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकता है यार। बाकी तो ओल्ड टॉय जो है ना कहते जिसकी ज़रूरत तो अभी तक पड़ी नहीं है यार। ये सिलेंडर चाहिए अपन को। सीपियाँ जो शंख दो है ना कहते वो फेंक देता हूँ, एंड बाकी जो ना कहते अभी यहाँ पे जितनी भी सीपियाँ मिल रहे हैं ना वो सारी की सारी उठाने की कोशिश करता हूँ भाई। ठीक है चलो ऑलमोस्ट उठा के हो चुके हैं सारी की सारी। एक काम कर लेता हूँ बाइक लेके चला जाता हूँ, क्योंकि इतने से अपना काम बन जाएगा। और थोड़ा देख लेता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे बड़े बड़े से जो पांडा की तरह दिखने वाले एनिमल्स है ना गाइस, हमारे पेड़ जो है ना गाइस, वो मैं और खरीद सकता हूँ कि नहीं? खरीद तो लूँ बट अगर उनके खाने का जुगाड़ में कर नहीं पाया ना बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा यार, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। पुकड़ में मर भी जाएंगे यार वो लोग। वैसे लिखा तो था गाइस जब मैंने ट्यूटोरियल पढ़ी थी वहाँ पे कि ये लोग जो है ना गाइस ये एनिमल फूड भी खा लेंगे, बट एग्जैक्टली पता नहीं मेरे को। चलो जल्दी देखते हैं अभी। भाई बाइक उठा लेता हूँ पहले, भाई टूट गई यार पानी में गिर के। भाई यहाँ पे तो सीपीआई यार भर के देखना गाइस, भाई अलग अलग तरह की सीपीआई पड़ी हुई है भाई। ये उठा ले, ये उठा पाएगा आई थिंक, ये उठा पाएगा। हाँ और मैक्सिमम सीपीआई मैं उठा नहीं सकता क्योंकि मेरे इन्वेंटरी में जो ना कहीं जगह नहीं है, सिंपल सी बात है। बट जितनी भी सीपीआई उठा सकता हूँ ना वो सारी उठा के लेके चला जाऊँगा। ट्रेजर भी यार, भाई यार ट्रेजर भी है यार यहाँ पे, रुकना ट्रेजर भी उठाता हूँ और ये भी उठा लेता हूँ। फर्टिलाइजर जो ना कहीं वो तुम्हारे भाई के पास बहुत ज़्यादा आने वाला है। ट्रेजर में क्या मिलने वाला है पता नहीं गाइस। अरे यार ये मिला ना, ओ ये इसकी ज़रूरत है वैसे गाइस। ठीक है इसकी ज़रूरत है। ओल्ड टॉय मिला और क्या मिल रहा है? यहाँ पे भी ट्रेजर है, देखता हूँ क्या क्या सामान जो ना कहते हमको यहाँ पे मिलता है। चलो गाइस अभी ना सारा का सारा सामान उठा लिया, वैसे खास कुछ मिला नहीं गाइस। ओल्ड बैटरीज वीटरीज वही सारी चीज़ें मिली गाइस। ठीक है एंड अभी ओल्ड बैटरीज नहीं सॉरी वायर बियर मिली और बाकी और कुछ खास सामान जो ना गाइस मिला नहीं। अभी अपन जो ना गाइस ये ऐसा सर पे लेके जो ना गाइस जा रहे हैं अपने घर के पास, ताकि अरे यार यहाँ पे टीन और कॉपर देखना कितना ज़्यादा है। लोकेशन को टैग मार ले भाई। ओके ठीक है अभी नहीं हाँ अभी तो अपन को घर पे जाना है। टीन और कॉपर के लिए अपन बाद में आ जाएंगे गाइस। ठीक है चलो घर पे पहुंचिए जो ना गाइस। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कितनी सीपियाँ मेरे को एक फर्टिलाइजर बनाने के लिए यहाँ पे डालनी पड़ेगी। वैसे आज का पूरा वेदर जो ना गाइस मेरे को लग रहा है खराब ही होने वाला है। अरे यार सैली मैडम जी आ चुकी है, देखता हूँ कि अभी सैली मैडम जी मानती है कि नहीं अपने बेस पे मतलब अपने एक्वा टाउन पे आइलैंड पे रहने के लिए गाइस। ठीक है बाकी तो सीपीओ से फर्टिलाइजर बनाना चालू कर देता मैं। ठीक है देखता हूँ चलो बनता है कि नहीं। रिक्वायर 25 बोले, बाप रे 25 चाहिए यार। बोल रहा था 10-12 चाहिए होंगी यार, तो बोल रहा है कि 25 चाहिए यार, उसके बिना तो काम नहीं बनेगा। रुक जाना फिर बाकी का सामान जो है ना, रुक जाओ पहले जो ना कुछ चीज़ें खरीद के लेके आता हूँ भाई फटाक से। और थोड़ा सा सामान बेच सकता हूँ क्या मैं? एक रुक जाओ ये कितनी चाहिए? भी 25 ही चाहिए क्या? ये थोड़ी सी भाई सस्ती वाली सीपीएन, अरे 15 चाहिए, 14 है भाई यार ची भे। रुको मेरे पास जो सामान है ना इम्पोर्टेड वाला वो यहाँ पे डालने दो। बाकी तो फर्टिलाइजर है दो पॉटी है भाई, ओल्ड गियर ये हनी टीन शीट आयरन बार। ओके रुक जाओ ये बक्सा पहले से फुल है। देन उसके बाद आयरन बार, अंडे गरम गरम, अंडे गरम गरम, उसके बाद ये सिलेंडर, मुर्गी छाप ये। ओके रुक जाओ यहाँ पे डाल देता हूँ अभी ये एंड बाकी कुछ है।
बाकी तो और कुछ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, बाकी तो अपनी बाइक है अपने पास। ठीक है चलो, अभी जो ना दो पॉटी मेरे पास पड़ी हुई है, इससे जो ना गाइस मैं फटाक से यहाँ पे वो बनाने के लिए डाल देता हूँ फर्टिलाइजर एक और गाइस। ठीक है, एंड अपन फटाफट से चल दे, और यहाँ पे हड्डी और मीट मिल गया भाई, अच्छी बात है। बोन्स भी 25 चाहिए होगी यार मेरे को लग रहा है। ठीक है, अरे यार ये नहीं ले सकता मैं, मुर्गी दे दे चल। हाँ जी हाँ जी, जल्दी भाई, टाइम नहीं रे बाबा, जल्दी दे। हाँ जी जल्दी, हाँ भाई, डन 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 डन, नो प्रॉब्लम हो। ये भी दे दे एक फीडर, हाँ एक फीडर दे दे भाई। पैसा कितना है? 60,000 टोटल पड़ा हुआ तेरे भाई के पास। ओके चलो आ जाओ, फटाफट से चल दे, और यहाँ पे जो ना गाइस अपनी जो मुर्गी का बच्चा है ना उसको रिलीज कर लेते हैं। मुर्गी फार्म जो ना गाइस एक नंबर बनाने वाले अपन। भाई क्या झगड़ा झगड़ी कर रहे हैं क्या? लग तो नहीं रहा झगड़ा झगड़ी कर रहे हैं। वैसे मुर्गी फार्म इतना बड़ा बनाऊंगा ना, वहाँ पे मुर्गियों के रहने के लिए जगह नहीं बनेगी बचेगी गाइस। ठीक है, इतना बड़ा भाई जो है ना मुर्गी फार्म बनाएगा तेरा भाई। जल्दी कर। हाँ भाई जल्दी। डन। हाँ भाई, एशली बिचली जो भी है दे दे भाई। ओके डन। चलो गाइस मुर्गियाँ खरीद ली है। अभी मैं सबसे पहले सैली मैडम जी है ना, लास्ट भाई यहाँ पे एक पर्सन बची है जो अपने टाउन पे आई नहीं है, तो उनसे बात करके मैं देख लेता हूँ कि सैली मैडम जी ना गाइस जो यहाँ पे रह सकती है कि नहीं। बाकी ये खाने पीने का जो ना गाइस जुगाड़ में थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ठीक है इनके, रुको अभी इनमें से खाएंगे कि नहीं ये मेरे को पता नहीं है गाइस, बट देख लेते। चलो खा लेना रे बाबा। अभी जो ना गाइस अपने पास और कोई घास भी बची नहीं जो तुम खा के जिंदा रह सकते हो, तो यही खा लेना। ओ ये मैं इसका मिल्क निकाल सकता हूँ ना गाइस। ये रुक जाओ, पकड़ ले क्या भाई, ये बड़ी सी जो भाई गाय तो नहीं है वो, प्लैटिपस का मिल्क निकाल सकता हूँ मैं, मिल्किंग बकेट 1600 में। दे 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 भाई, दुद्धू निकालूंगा, दुद्धू डालूंगा कहाँ पे, लेकिन दुद्धू तो निकाल लूँ मैं, डालू कहाँ पे लेकिन दुद्धू भाई, इसके मिल्किंग बकेट इसके अंदर दुद्धू निकाल के पी जाओ क्या मैं पूरा? ए दुद्धू चाहिए, दुद्धू दुद्धू देना। अमो क्या हुआ, दे रही है क्या, पता नहीं कहाँ दुद्धू दिया। कलेक्ट मिल्क इन दिस, दुद्धू तो पेट लल्लू, अरे लल्लू ने ये कौन है तू, शिला है पेट लल्लू, थैंक यू। अबे दुद्धू कहाँ पे दिया लेकिन तूने, हैं बकेट तो लेके आया था बट बकेट के अंदर दुद्धू के नाम पे खुद्दू काट दिया अपना गाइस, और दुद्धू नहीं मिला अपन को। ठीक है चलो, मतलब होता है कभी कभी गाइस, कट जाता है ऐसे गाइस, हाँ बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है गाइस। चलो आ जाओ, सैली से बात कर लेते और देखते सैली मैडम जी अभी रेडी है कि नहीं। चल भाई तेरे लिए मैं एक और बार हेयर स्टाइल चेंज करने के लिए रेडी हो, बता। इंटरेस्टिंग लिटल टाइम, रुक जाओ, वॉन्टेड टू चैट, तू टाउन पे रहेगी कि नहीं बता मेरे को। कुक्ड फ्लेक, फाइंड मी कुक्ड फ्लेक, क्या आई डू इट, रुक जाओ। ये कुक्ड फ्लेक क्या है जरा मेरे को एक बार बताओगे? अरे हो गया भाई, सैली जी रेडी गाइज, सैली जी को मच्छी खिलाऊंगा मच्छी, सैली जी ना का जैसा एकदम फुल रेडी हो जाएगी, बोलेगी अरे तेरे ही तो टाउन में रहना था मेरे को भाई। कहाँ पे बारबेक्यू, हाँ एक ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, बाकी संभाल के रख लेता हूँ, ठीक है फ्यूचर में काम आएगा। ओके कमान जल्दी, अरे जल्दी दे दो यार। अभी कितना टाइम लगता भाई कुक होने के लिए, पता नहीं भाई, अरे जल्दी मैडम जी। अरे भाई कुक्ड फ्लेक, हाँ टाइम लगता है यार इसको। ओके चलो सैली जी से बातें चाते करता हूँ, और सैली जी को जो ना कैसे दे देता हूँ कुक्ड फ्लेक, हाँ दिस इज फॉर यू। हाँ जी श्योर। अरे कुक्ड फ्लेक लेके आना मैं भाई, टेंशन में को लेना, हाँ भाई टेक दिस। ओके ठीक है, क्या दिया है? ओ ब्रिक वेल, ओके नाइस वन, थैंक यू भाई। तो मेरे को एक बात बताइए, क्या मैं आपके यहाँ पे अगर एक बार और हेयर स्टाइल कर लेता हूँ, न्यू हेयर स्टाइल, तो क्या आप काट दिस भाई, पैसा काट दिस खाली, और कुछ नहीं करा भाई, और कुछ नहीं करा, न्यू हेयर स्टाइल के नाम पे ना बस खाली पैसा काट दिस यार अपना, न्यू हेयर कलर, ठीक है ये ले बेटा सिलेक्ट, पैसा काट रही है भाई, कुछ नहीं दे रही है यार, नहीं चाहिए मेरे को। बक सैली नहीं आई ना टाउन में तो भी चलेगा गाइज, नहीं चाहिए भाई सैली मैडम जी, हमारे टाउन में चाहिए नहीं हमको। ओके भाई मुर्गिया क्या इधर उधर घूमे जा रही है, बाकी अभी क्या करना है मेरे को, थोड़े से शील्स लेके आने हैं ना गाइज, रुक जाना गाइज, मैं थोड़े से शेल्स लेके आता यार फटाफट से, अपना दिलों का शूटर है मेरा, स्कूटर निकाल लेता हूँ और निकल लेते अपन, शेल्स नहीं निकले मेरे को बताना गाइज कि नज़दीकी बीच कहाँ पे, ये वाला बीच तो भाई अपन ने क्लियर कर लिया, ये वाले बीच पे चल, ठीक है ये वाले बीच पे ना, बीच में अपन को नदी विधि क्रॉस करनी नहीं पड़ेगी, प्लस अपन को 25-25 शेल चाहिए, तो 25-25 शेल्स जो है ना गाइज बड़े आराम से मिल जाएगा मेरे हिसाब से। भाई ये क्या भाई, वहाँ पे लपड़ी चल रही है, ले बेटा
कुचल दिया भाई मैंने जो ना गाइस अभी यहाँ पे जस्ट एक फ्रॉक को कुचला है गाइस। एक फ्रॉक का जो ना गाइस मैंने जान निकाल दिया भाई, एकदम मस्त बेके रुकना। अभी यहाँ पे तो भाई इसको भाई लेके जाके जा नहीं सकते ना, तो इसलिए इसको अंदर डालेंगे, उसके बाद उठा लेंगे भाई, ठीक है इजी पीजी। ठीक है अंदर डाल के उठा लेंगे एंड अभी भाई यहाँ पे शेल्स इकट्ठा करने का काम करेंगे। 25 चाहिए रहा बाबा, टोटल 19 मिल गया, 25 ना मेरे पच्चीस रुक जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेजर सेजर है, तो ट्रेजर जो है ना कहीं वो भी निकाल लेता हूँ। क्या पता थोड़ी सी महंगी चीज़ मिल जाए, यहाँ पे महंगी चीज़ मिल सकती है वैसे। रख गया मेरे को क्या मिला, खास कुछ नहीं मिला, खास कुछ नहीं मिला। और इस तरफ जो ना गाइस मेरे को खास कुछ भाई शेल्स भी नहीं मिले, बस एक एक दो दो ही शेल मिले। 25 हुए क्या, 21 हुए गाइस। ठीक है भाई रुक जाओ, ये क्रॉस कर लेता हूँ। अरे यहाँ पे शेल्स ही शेल्स है भाई, ठीक है यहाँ पे उठा सकता हूँ मैं काफ़ी सारे शेल्स। थोड़ा थोड़ा सा ट्रेजर भी मिल रहा है गाइस रस्ते में, वो भी उठाते हुए चलूँगा। What the? ये क्या चीज है? रीड एक मिनट, दिस थिंग लुक्स ब्रोकन, देयर आर पार्ट मिसिंग। ये क्या चीज है यार? रुक जाना एक मिनट, अब भेज क्या, रुको ना। हाँ हाँ ये वाला लगा दे, ये वाला फायर डेड डेड। हाँ ये रुक जाओ, यहाँ पे पार्ट चाहिए कुछ हमको। ये कम्युनिकेशन टावर की तरह लग रहा है मेरे को बड़ा सा। हाँ कम्युनिकेशन टावर ही है यार, पता नहीं था कि यहाँ पे ये भी है चीज। इसको रिपेयर करने का काम अगले एपिसोड में करेगा तेरा भाई। भाई ये कुछ खतरनाक सी चीज मिले, छोड़ो चलो आ जाओ। उसको इग्नोर मारते हैं, उसका यूज क्या है मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है ना गाइस। अरे बाप रे, अंधाधुन मैंने खोदा था लेकिन वहां पे जो ना गाइस ट्रेजर मिल गया भाई। वैसे मेरे को खोदना वहां पे नहीं था, मेरे को खोदना यहाँ पे था क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रेजर था। अब यार यहाँ पे ट्रेजर नहीं ये चीज़ है, इसको तो अभी सर पे लेके जाना पड़ेगा यार। ठीक है बाकी पहले शेल्स उठा लेता हूँ, 23-23 हो चुके हैं मेरे को, 25-25 कर लेने किसी भी कीमत पे शेल। यहाँ पे 25 शेल जो ना गए तो बड़े आराम से हो जाएंगे, 25 शेल जो ना हो ही गए समझ लो भाई यहाँ पे। और बाप रे अनलिमिटेड शेल पड़े हो यार, अनलिमिटेड भाई देखना ये देखना। वैसे मेरा टुक 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 वाला जो मशीन है गाइस वो ब्रेक कर लेता हूँ यहाँ पे, रुको गाइस। टुक 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 टुक, टूट जा भाई, टूट जा भाई। नहीं टूटता क्या? नहीं जब ये ट्रेजर फाइंड करेगा तभी टूटेगा, बट यहाँ पे कोई भी ट्रेजर नहीं। मेरे को ये तोड़ना है इसलिए ताकि मैं नया वाला जो ना कहीं वो खरीद सकूँ, वरना ये जो ना कहीं खाली पकड़ ऐसे अपने इन्वेंटरी में जो ना कहीं जगह फुल करते रहेगा। बाकी यहाँ पे 25 नहीं 30 शेल्स डायरेक्टली हो चुके हैं गाइस, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी डायरेक्टली अपन जो ना कहीं जा सकते वापस से, बट मेरे को जो ना कहीं वो एक बड़ा सा पत्थर मिला ना कहीं वो भी साथ में लेके जाना है। यहाँ पे ट्रेजर है कहीं पे, अच्छा ठीक है भाई। टूटता नहीं क्या जल्दी? टूटता नहीं लग रहा है यार, रुक लगा था अभी टूट जाएगा बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। रुकना टूटा का ही नहीं यार ये, टूट जा भाई। ये टूट गया गाइस, टूट गया टूट गया टूट गया टूट गया, लेकिन साथ में थोड़ा सा ट्रेजर लेके दे गया, मतलब ट्रेजर दे के जो ना कहीं चला गया। लेट्स गो टडा, चलो भाई अभी चलते ना कहीं अपन फटाक से घर पे। और अगले एपिसोड में आके ना मैं यहाँ पे एक मिनट जब बाइक शेक लेके आना पड़ेगा, रास्ते में जो ना ब्रिज डाल दूंगा मैं डायरेक्टली, ब्रिज डाल दूंगा, 2-3 ब्रिज बना के लेके आऊंगा भेज गया, एक हाईवे बना डालूंगा डायरेक्टली हाईवे का ही। चलो इसको जो ना कहते अपन घर पे छोड़ के आते हैं। घर कितना ज़्यादा दूर है? 10 किलोमीटर दूर, ज़्यादा नहीं भाई। ये 150 किलो का जो रॉक है गाइस वो सर पे उठा के मैं लेके आ चुका। वैसे मैंने पिछला वाला रॉक कहाँ पे डाला था? मेरे को सारे रॉक्स यहाँ पे डालने हैं। एक मिनट रुक जा, ए भाई उठा ले भाई, ऐसे नहीं डाले, ऐसे कोपचेवाड़ी में डाले। हाँ वैसे दूसरा वाला एक और लॉक में लेके आया था, उसमें मैंने डाला कभी, पिछला वाला लेके नहीं आया क्या गाइस? एक उधर भी था वो शायद मैं लेके नहीं आया, पता नहीं मेरे को। चलो जब इधर ये डाल देता हूँ, बाकी कल सुबह पता चलेगा कि यहाँ पे। ओ ये सोते हुए कितना क्यूट लग रहा है गाइस मोटू, ये देखना गाइस, कितना क्यूट लग रहा है गाइस सोते हुए, देखो तो। मैं बिचाला भाई कितना क्यूट लग रहा है, छोटू छोटू सा गाइस। चलो आ जाओ, तो फिर गाइस आज का जो एपिसोड है ना गाइस हमारा डिंकम का, वो हम लोग यहीं पे खत्म कर लेते हैं। मिलते सीधा गाइस सबसे अगले एपिसोड में, और अगले एपिसोड में जो ना गाइस हमको काफी ज्यादा चीजें जो ना गाइस वो करने, वो बड़ा सा जो अननोन टावर मिला था ना, वो टावर एक्चुअली में यहाँ पे जो है ना गाइस क्या काम करता है वो मेरे को सबसे पहले देखना है गाइस। ठीक है उस टावर से जो ना गाइस मेरे हिसाब से मैं कुछ तो कर पाऊंगा, कम्युनिकेशन टावर है तो उससे क्या किसी और को कॉन्टैक्ट विंटैक्ट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ सीन है क्या? पता नहीं, देखते चलो गाइस अगले एपिसोड में। वैसे अपन को पता चलेगा कि वो किस काम आता है। वाह बाकी बीन्स बीन जो है ना गाइस वो भी उग चुके हैं, वो भी अगले एपिसोड में अपन तोड़ डालेंगे। और फर्टिलाइजर रेडी हो चुका है, लेकिन ये वाला फर्टिलाइजर बनानी है, पता नहीं क्यों गाइस एक फर्टिलाइजर बनानी। ओह मिल्क का एक बॉटल तो मिला है ना यार अपन को, मैंने देखा ही नहीं यार।
मिल्का का एक बोतल तो मिल गया यार तेरे भाई को, मैंने देखा ही नहीं था, नोटिस ही नहीं करी थी ये चीज। ठीक है रुक जाओ, ये फर्टिलाइजर बना के डाल देता हूँ। ये वाला फर्टिलाइजर जो है ना गाइस, मेरे को लग रहा है ज्यादा टाइम लेता है। बाकी बेटा खाना पीना खाओगे क्या? वो दो बड़े हो चुके हैं गाइस। रुक जाओ, दोनों का मिल्क निकालूंगा, दूध निकालूंगा। वैसे गेम अभी सेव नहीं होगा तो अभी दूध निकाल के फायदा नहीं, अगले एपिसोड में निकाल लेंगे गाइस। ठीक है, तो फिलहाल के लिए गाइस आज का एपिसोड जो है ना टिंकम का, वो हम लोग यहीं पे खत्म कर लेते हैं। वैसे हमारे बड़े बड़े से सुअर की तरह दिखने वाले पांडा कैसे लग रहे हैं आपको, नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा ना, तो वीडियो को लाइक जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो मिलते हैं गाइस आपसे अगले एपिसोड में गाइस टिंकम के, तब तक के लिए बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग। For you and me, and how careless we could yeah. be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.